हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो फाइनली सीयूईटी पीजी के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। रिजल्ट्स 13 अप्रैल को डिक्लेयर किया गया। बोला गया था कि 12 अप्रैल को रात में डिक्लेयर किया जाएगा रिजल्ट, लेकिन ये रिजल्ट 13 अप्रैल को डिक्लेयर किया गया। ये प्रेस रिलीज आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स दी गई हैं, सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, हर एक कोर्स के जो भी टॉपर्स हैं उनके मार्क्स और उनका नेम दे रखा है, और भी बहुत सारे बातें की गई हैं। तो इस प्रेस रिलीज को मैं शॉर्ट फॉर्म में समराइज करता हूं, और आप अपने रिजल्ट्स को सीयूईटी के पीजी के ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो। क्या है कैसे है सारी बातें को यहां पे हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहां पे देख पा रहे हो कि ये रिजल्ट जो है ये 13 अप्रैल को जारी की गई है। समझते हैं। एनटीए डिक्लेयर्स द रिजल्ट्स एनटीए स्कोर्स फॉर द सीयूईटी 2024 सीयूईटी पीजी 2024। खासकर पीजी कोर्स की बात की जा रही है, यूजी की रिजल्ट्स अभी नहीं आई है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि एनटीए ने डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे, और ये टोटल जो एग्जाम्स थे कंप्लीटली सीबीटी मोड में हुए थे। 572 डिफरेंट सेंटर्स इसके अलग अलग 262 सिटी में थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें हमारे लिए फिलहाल मैटर नहीं करती है। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे कि कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे, 39 थे, स्टेट यूनिवर्सिटीज 39, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन 15, और कुछ प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी थी जिन्होंने इस सीयूईटी पीजी के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे कैटेगरी वाइज रजिस्टर्ड और अपियर्ड कैंडिडेट का यहाँ पे लिस्ट दे रखा है। डिफरेंट कैटेगरीज है, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। यहाँ पे देख पा रहे होगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, और रजिस्टर्ड में से कितने अपियर्ड कैंडिडेट्स हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रेस रिलीज को, इस पीडीएफ को डिजाइन किया गया, इसमें हर एक डिटेल को इंटीग्रेट किया गया है। तो अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहां से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट चीज, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के जो हर एक कोर्स के जो भी टॉपर्स हैं उनके नेम और मार्क्स दिए गए, मैं वो पेज पे तुम्हें लेकर चलता हूँ। देखो इस जगह से तुम देख पाओगे, हाँ, सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स फॉर ऑल 157 सब्जेक्ट, टोटल 157 सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए थे। अब हर एक सब्जेक्ट्स के टॉपर दिए गए। अब तुम जिस सब्जेक्ट के बिलोंग करते हो, जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई स्टूडेंट एम कॉम स्टूडेंट है, COQP08 एम कॉम का ये कोड है, मैं वो कोड पुट करूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पता चल जाएगा रचित अग्रवाल कौन है, तो रचित अग्रवाल, ठीक है, जिसका कि मार्क्स रहा था 207, रोल नंबर यहां पे दे रखा है, सॉरी ये रहा रोल नंबर COQP08 कोर्स कोड, और ये रहा रोल नंबर, स्टूडेंट नेम रचित अग्रवाल और 207, ये है एम कॉम का मार्क्स। एम कॉम स्टूडेंट, एम कॉम एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ सीयूईटी पीजी के अंदर, उसमें जो भी टॉपर रहा, कौन टॉपर रहा, रचित अग्रवाल, जिसका मार्क्स था 207। ऐसे डिफरेंट कोर्स के यहाँ पे डिटेल्स दिए गए जिसे कि तुम चेक कर सकते हो। अब तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं एमकॉम एंट्रेंस में, सीयूईटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर यहाँ पे तुम अगर और नीचे पीडीएफ की ओर जाते हो, तुम्हें और भी बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि इस साल जो सीयूईटी पीजी एग्जाम हुआ टोटल 44 शिफ्ट में हुआ, जिसमें से इन विच इज 16 शिफ्ट लेस देन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से 16 शिफ्ट कम करवाए गए। अब यहाँ पे बताया गया 2022 में इतने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए, इतने अपियर्ड हुए, फिर सिमिलरली 23 की डिटेल्स दी गई हैं, 24 की डिटेल दी गई हैं, तुम्हारे लिए ये रिलेवेंट नहीं है। फिर आगे कुछ और बातें की गई हैं कि इस बार जो भी एग्जाम हुआ सारे ही सिंगल शिफ्ट में करवाए गए, जिससे कि हमारा जो एग्जाम हुआ वो सिंगल फेज में हुआ, और जो भी टेस्ट सेंटर थे वो स्टूडेंट के परमानेंट एड्रेस और जो भी उनका प्रेजेंट एड्रेस है उससे नियर बाय रखने की कोशिश की गई। हर एक सेंटर पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हुआ, बहुत सारी बातें की गई हैं। मतलब यहाँ पे एनटीए कोशिश कर रहा है बताने का कि हमने एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया, ट्रांसपेरेंट वे में हमारा जो एग्जाम है वो हुआ। साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया कि आंसर की चैलेंज करने का जो डेट है 5 से 7 अप्रैल दिया गया, इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर रही बात रिजल्ट चेक करने की तो वो भी आप इसी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, अपने जाके डिटेल्स लॉग इन करने हैं और आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लास्ट सेक्शन में आता है यहाँ पे एनेक्सर वन में जितने भी यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट करे थे, सारे यूनिवर्सिटीज के यहाँ पे नेम दे रखे हैं, तो चाहो तो इसे भी देख सकते हो। तो ये थी कहानी सीयूईटी पीजी के रिजल्ट्स की। तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसे भी तुम मेरे से शेयर कर सकते हो।
एंड करते हैं आज के वीडियो को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।